पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय गांधी चौक में अभिवादन कार्यक्रम लिया गया। पूर्व सांसद श्री नरेश बाबू पुगलिया इनके नेतृत्व में लिए गए आदरांजलि कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश महाकुलकर, प्रवीण पड़वेकर, अशोक आकेवार, सुधाकर सिंह गौर, देवेंद्र बेले, देवीदास गेडाम, बाबूलाल करुणाकर, सुमनताई सेडाम, सिंधुताई शिंदे, सुरेश बोर्डे, अनवर शेख, मुख्तियार भाई, दिगंबर राव लुडलीवार, हरीश रगाटाटे, हरिदास नागपुरे, नामदेव धांडे आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री पुगलिया समेत उपस्थित कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी इनके तैल चित्र समक्ष पुष्प अर्पण कर उन्हें अभिवादन किया। श्री पुगलिया समेत कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी इनके जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके कार्यों को याद किया। माननीय नरेंद्र पुगले यांच्या नेतृत्वाखाली ही श्रद्धांजली सभा आयोजित करण्यात आली। या कलाकार सर्वजण उपस्थित झाले। राजीव गांधीने जे आपल्याला मार्गदर्शन केलं, पूर्ण जगाला दाखवून दिलं आहे भारत काय आणि टेक्नॉलॉजी आणि सर्व याच्यामध्ये, या सर्वांचा आधार आपण घेऊन त्यांच्या विचारावरती आपण वाटचाल करत आहोत। माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची पुण्यतिथी आहे, त्यानिमित्तानं आजच्या या पुण्यतिथी निमित्त एवढंच बोलू इच्छितो की आज जे आपण उपभोगत आहोत, सगळ्या मीडिया, टीव्ही, सगळे वायफाय, इंटरनेट, म्हणजे जग हे एका ठिकाणी आणण्याचं काम, जे मोठं कार्य जे जर केलं असेल तर राजीव गांधी यांनीच केलेलं आहे। म्हणून या प्रसंगी राजीव गांधी यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो आणि माझ्या दोन शब्द। चंद्रपूर शहर काँग्रेस व जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने, शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज स्वर्गीय राजीव गांधी यांची पुण्यतिथीचा कार्यक्रम आपण आयोजित केला आहे। या कार्यक्रमाला उपस्थित तुमच्या आमचे सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय नरेश बाबूंची पुगलिया, डॉक्टर महाकुळकर साहेब, शहर कार्यालयाचे अध्यक्ष गौर साहेब आणि उपस्थित सर्व काँग्रेसचे पदाधिकारी। मित्रांनो, ज्या राजीव गांधीने संपूर्ण या जगाचं एकत्रीकरण करण्याचं काम तंत्रनिकेतनच्या माध्यमातून जे आपण आपला देश पाहता उंच नेण्याचं काम जर कोणाला जात असेल तर स्वर्गीय राजीव गांधींना। 18 वर्षांच्या मुलांना जे मताचा अधिकार देण्याचं काम सुद्धा त्यांच्याच नेतृत्वामध्ये झालं। मित्र, तसे आज जे संपूर्ण देशामध्ये महिला सक्षमीकरण म्हणून आपण पाहत आहे, महिला जे सामोर येत आहे कोणत्याही पदावर असो, नगराध्यक्ष असो, महापौर असो किंवा अनेक तरंगाच्या ज्या महिला आज आपण घरातून निघून पाहत दिसत आहे, याचं श्रेय आणि संपूर्ण एक संघ करण्याचं काम, महिला आणि पुरुषांना एक संघ करण्याचा 50% त्यांना अधिकार देण्याचं काम सुद्धा स्वर्गीय राजीव गांधीने दिलं आहे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथी के अवसर पर उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस सेवा दल, इंटक, किसान मजदूर कांग्रेस, NSUI और युवक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज राजीव जी की पुण्यतिथि है। हर साल के मुताबिक इस वर्ष भी हम हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मना रहे हैं। राजीव जी हम में से, कांग्रेस में से, हमें नहीं पता था कि इतने जल्दी चले जाएंगे, किंतु उन्हें किसी साजिश के तौर समाप्त किया गया। फिर भी आज कांग्रेस के माध्यम से आज़ादी के बाद जो देश की तरक्की हुई है उसकी मिसाल आपके और हमारे सामने है। जहाँ साइकिल भी मिलती नहीं थी, आज वहाँ हजारों मोटरसाइकिल हमारे चंद्रपुर शहर के रोड पे दौड़ती नजर आ रही है, हजारों कारें दौड़ती आ रही है। तो ये भारतवर्ष के विकास के कारण ही हुआ है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में, शहरों के और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, कांग्रेस के माध्यम से ही ये देश का विकास हुआ है। आज लोकतंत्र के माध्यम से
हमें सरकार से हटना पड़ा, क्योंकि 10 साल तक हमारा शासन केंद्र में था और 15 साल तक के हमारा कांग्रेस का शासन महाराष्ट्र में था। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस प्रकार से चुनाव में हार जीत को कभी घबराता नहीं है, उसने कई हार जीत देखी है, लेकिन राजीव गांधी जी को सही में अगर हम श्रद्धांजलि देना है तो आपको पूरी ताकत के साथ यादवादी प्रतिक्रियावादी शक्तियों से लड़ना होगा। भले आज उनके पास राज्य में और केंद्र में सत्ता हो, लेकिन पिछले 2 साल में देश की जो हालात हम देख रहे हैं, महंगाई जो देख रहे हैं, किसानों की आत्महत्या जो देख रहे हैं, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार है, ये हर व्यक्ति कह रहा है। साथियों, कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है, 2 दिन पहले 5 राज्यों के चुनाव के निकाल आए हैं और उस रिजल्ट में बीजेपी ने उसका उदो उदो किया है। आसाम जैसा स्टेट जो 15 साल तक के कांग्रेस के कब्जे में था, तो वहाँ की अलग अलग पार्टियों को मिलाकर सत्ता आ गई, लेकिन वोटों का परसेंटेज आज भी अगर आप देखें, आज के अखबार उठा के देखिए, वोटों के परसेंटेज में कांग्रेस को उनसे ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन सत्ता के समीकरण में हम पीछे हटे। एंटी इनकम्पनसी फैक्टर था और उस कारण हमें सत्ता गंवानी पड़ी और उन्होंने कहा कि बीजेपी की बहुत बड़ी मात्रा में जीत हुई है। साथियों, पूरे चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में 60 सीटें आसाम में मिली और 3 सीट बंगाल में और 1 सीट केरला में, यानी 64 असेंबली की सीटें मिली है और उसकी तुलना में कांग्रेस को 115 सीटें मिली है। आज भी साथियों, कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है, हार जीत के मत देखिए, उसके आंकड़े वाले देखिए कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या घटा है, और उसके ऊपर अपना तर्क कीजिए। और ये जो बीजेपी और उनके चेले चपाटियों का, उनके बाकी संगठनों का, जो जातिवादी संगठनों का जो प्रचार चल रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं अभी पिछले चुनाव में चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, इन सब चुनाव में कांग्रेस 1 नंबर की पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आई है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के गुजरात में भी कांग्रेस आगे है। आने वाला चुनाव, कई नगर परिषदों के चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, महापालिकाओं के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, तो साथियों आने वाले चुनाव का डट के मुकाबला कर और बीजेपी शासन में जो बदबदपूरी चल रही है, जो अराजकता चल रही है, बदला लेने की भावनाओं से जो काम किया जा रहा है, और खास करके गांधी परिवार के बारे में जो कटुता फैलाई जा रही है, स्टेज पे नाचने गाने वाला एक हीरो अभिनेता अपने आप को गांधी परिवार से, हो सकता है उसे कुछ बीजेपी से, केंद्र सरकार से, कहीं राज्यसभा या कहीं कोई टुकड़ा होना हो, तो गंदी बातें कर अपप्रचार करके ऐसे लोगों को हाथ में पड़कर बीजेपी इस्तेमाल करती है, उसका हमको डट के मुकाबला करना चाहिए। गांधी परिवार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। नेहरू जी ने 9 साल से ज़्यादा जेल काटी है, इंदिरा जी ने जेल काटी है, इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी देने वाले नेताओं की ये पार्टी है। ये लोग क्या समझे, हाथ में डंडा, सर पे काली टोपी और हाफ पैंट लगाकर घूमने से नहीं होता है, जातिवादी भावना भड़काना, ये करना, ये सब चीज़ें जनता समझ रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है। और आज के इस पुण्यतिथि दिन के अवसर पर मैं तमाम शहरी और ग्रामीण कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पूरे मजबूती के साथ इन जातिवादी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुकाबला करना, यही सही मानों में माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि और आदरांजलि होंगी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और सभी फ्रेंडल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से स्वर्गीय राजीव जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज इतनी धूप होने के बावजूद भी आप बड़ी मात्रा में उपस्थित हुए, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को भी, उनका भी आभार मानता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।